महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर जारी सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अब मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का नया अल्टीमेटम दे दिया है। औरंगाबाद में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने किसी विरोधी को नहीं छोड़ा, चुन चुन कर हमला बोला। शरद पवार के लिए तो यहां तक कह दिया कि उन्हें हिंदू से एलर्जी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। गर्व से कहो हम। राज ठाकरे की सभा में लगे नारे सुन लीजिए। गर्व से कहो हम। राज ठाकरे के लिए उनके कार्यकर्ताओं ने जो उपमा दी उसे भी सुन लीजिए। हिंदू जननायक माननीय राज साहब ठाकरे। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने की धमकी देने वाले राज ठाकरे अब हिंदू जननायक हैं। 1 मई का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए खास था। मुंबई में बीजेपी ने बूस्टर डोज रैली कर हिंदुत्व के मसले पर सरकार पर हमला बोला। उद्धव ने राज ठाकरे पर वार किया तो राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में तेवर दिखाए। कभी मराठी गैर मराठी मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेंकी थी, लेकिन तब नाकाम रहे थे। अब कामयाबी का नया फॉर्मूला खोजा है राज ठाकरे ने। हजारों लोग महीने भर से एमएनएस प्रमुख लाउडस्पीकर गांव चल रहे हैं। इस मुद्दे पर उनकी सीधी टक्कर राज्य सरकार से है, मुख्यमंत्री भाई उद्धव से है, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था से है। जिद ठान ली है कि मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाकर ही दम लेंगे। पहले जो अल्टीमेटम 3 मई तक का था, ईद की वजह से उसे एक दिन बढ़ा दी है। आज तारीख 1 है, उद्या तारीख 2 आहे, तीन तारखेला ईद आहे, त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही, 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाज आले तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया, लगे हाथ सरकार पर भी बरसे, शरद पवार पर भी निशाना साधा। जे विष या माणसाने जे कालवलं ना, मी जे सतत सांगतो की राष्ट्रवादीचा जन्म झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जातीपातीचं राजकारण मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झालं। जात प्रत्येक जण मानत होता, जात प्रत्येकाला प्रिय होती, पण दुसऱ्या जातीबद्दलचा द्वेष हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मानंतर सुरू झाला। दरअसल राज ठाकरे ने कट्टर हिंदुत्व के लाइन लेंथ पर सियासत शुरू कर दी है। बीजेपी से शाबाशी मिलने के बाद उनका तेवर और तल्ख हुआ तो मुख्यमंत्री उद्धव ने राज ठाकरे पर पलटवार में देरी नहीं की। खेळाडूंकडे मी लक्ष देत नाही, कारण हे खेळाडू नेमके कोणत्या कोणत्या मैदानात कोणते कोणते खेळ करतात हे आतापर्यंत लोकांनी अनुभवलेले आहे। कधी मराठीचा खेळ, कधी हिंदुत्वाचा खेळ, कधी ह्याचा खेळ, तर असे हे खेळाडू जे असतात ना त्यांना मी काही इतरांचं कोणाचं मी अपमान करू इच्छित नाही, म्हणजे जे खेळ करतात डोंबारी वगैरे त्यांचं अपमान नाही मी करू इच्छित। लाउडस्पीकर और हिंदुत्व जैसे मसले पर एमएनएस और बीजेपी एक साथ एक ही रास्ते पर सफर पर हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी के सहयोगी हों या ओवैसी जैसे विरोधी राज ठाकरे की धमकी को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चल रहा है, इसीलिए उसमें कांग्रेस भी है क्या? कांग्रेस से दूध की दिल्ली भी है क्या? दिल्ली का मुख्यमंत्री बहुत दूध का जुड़ावा है, तो यही कॉम्पिटिशन चल रहा है। जहां पर मुसलमान के जुल्म के ऊपर बात आती है, उनके घरों को तोड़ने की बात आती है, उनके कारोबार को जलाने की बात आती है, उनके बच्चों को नौजवानों को भेजा जेल में जा दिया, तो कोई मुंह नहीं खोलता। पवार साहब के ऊपर टीका टिप्पणी करके खुद को बड़ा नेता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवार साहब जी के जैसे अगर उनकी कृति होती तो शायद उनका गौरव भी वैसे होता, लेकिन पवार साहब के नाखून इतना भी काम राज ठाकरे जी नहीं कर पाए, ये वस्तुस्थिति है। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी पारा गिरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख और औरंगाबाद से पंकज उपाध्याय के साथ पंकज खेलकर आज तक।